दिगरा शहर का एसटी बस स्टैंड और डिपो इन दिनों असुविधाओं की गिरफ्त में है। बीसीएन न्यूज ने इन असुविधाओं का जायजा लिया, जिसमें जगह जगह पर कचरे के ढेर और यात्रियों और कर्मचारियों के लिए पीने के साफ पानी का अभाव नजर आया। पेश है रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बसें मिनी लॉकडाउन में भी जहां यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की गारंटी प्रदान कर रही है, वहीं बात अगर दिग्रस बस स्टैंड और डिपो की हो तो यहां इन दिनों बुनियादी सुविधाओं के अभाव से यात्रियों सहित कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां बस प्लेटफॉर्म पर कचरा और जगह जगह पर गड्ढे बस स्टैंड के रख रखाव की बदहाली बयान कर रहे हैं। बस स्टैंड पर पेयजल की सुविधा है, लेकिन पानी ठंडा और साफ नहीं है। इसी तरह डिपो के भीतर पीने का ठंडा पानी तो है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर यात्रियों और कर्मचारियों को भरोसा कम और संदेह ज्यादा है। साफ पानी की किल्लत से बेजार होकर खुद कर्मचारियों ने अपने खर्चे पर शुद्ध पेयजल के बैरल की आपूर्ति की व्यवस्था कर रखी है। सूत्रों ने बताया कि यहाँ लगे वाटर कूलिंग मशीन से पानी ठंडा तो जरूर होता है, लेकिन वह साफ नहीं होता। जबकि डिपो प्रशासन का कहना है कि यहाँ की फिल्टर मशीन को मरम्मत के लिए नागपुर भेजा गया है। डिपो मध्ये जे कचरा है थोड़ा भ्रष्टाचार आहे, तर ते आम्ही स्वच्छ करून घेऊ। आणि दुसरे म्हणजे पाण्याची व्यवस्था जी आहे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे, परंतु जे फिल्टर आहे ते फिल्टर आम्ही दुरुस्तीसाठी नागपूरला पाठवलेलं आहे, ते काही दिवसातच 2-3 दिवसात येऊन जाईल आणि फिल्टरचं पाणी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होईल। डिपो परिसर में कचरे के अंबार जगह जगह नजर आते हैं, जिसमें शराब की बोतलें कूड़ा भी शामिल है। गौरतलब है कि यहां हाल ही में COVID-19 की RT-PCR टेस्ट शिविर लिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। जबकि डिपो के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाने की मांग भी अब उठ रही है। हालांकि डिपो प्रशासन का दावा है कि सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर और हैंड वॉश सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संदर्भामध्ये कोरोना रोगापासून कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। कर्मचाऱ्यांसाठी हँडवॉश, त्याच्यानंतर सॅनिटायझर, हँड सॅनिटायझर आणि कर्मचाऱ्यांना मास्क वगैरे आम्ही पुरवठा केलेला आहे आणि वेळोवेळी त्यांचा पुरवठा होत आहे। त्याचप्रमाणे आता गव्हर्नमेंट शासनाच्या नियमानुसार की जे 45 वरील जे कर्मचारी आहे त्यांच्यासाठी लसीकरण सुद्धा आम्ही केलेलं आहे आणि 11 मध्ये 2 दिवसांपूर्वी कॅम्प घेऊन आम्ही RT-PCR टेस्ट कर्मचाऱ्यांची केली आहे। त्याच्यामध्ये जवळपास 150 कर्मचाऱ्यांची टेस्ट केलेली आहे आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांची सुद्धा टेस्ट केली जाणार आहे। गौरतलब है कि हाल ही में यहाँ हुए RT-PCR टेस्ट में जांच कराने वाले डिपो कर्मचारी सुधीर मुंडे ने शिकायत करते हुए बताया कि उनकी उम्र 30 साल है, लेकिन उनकी कोविड जांच के फॉर्म पर उनकी उम्र 60 साल दर्ज की गई है। ऐसे में उन्हें डर है कि कोरोना का शिकार होने वाले अक्सर ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, कहीं कोविड प्रशासन उन्हें उम्र का हवाला देकर क्वारंटाइन न कराते। कोविड टेस्ट के लिए हमें 7 तारखेला डिपो ने विग्रस आगार ने आगार मध्ये तर माझे वय 30 वर्ष आहे आणि रिपोर्ट मध्ये माझे वय 60 वर्ष आलेला आहे। याचा अर्थ की माझी नोकरी होऊन 2 वर्ष एक्स्ट्रा झाली मला। तर चुकीचा रिपोर्ट आहे, याच्यात जर आता 60 वर्षानंतर जर पॉझिटिव्ह काढलं मला तर काहीच नाही लक्षणं, पण पॉझिटिव्ह 60 वर्ष ते जर लक्षणं असेल 60 वर्षानंतर पॉझिटिव्हच काढायचं, जर पॉझिटिव्ह आलं तर परत 15 दिवस सुट्ट्यावर राहावं लागेल। अजून सुट्ट्याचं काही नाही आहे, सुट्ट्या भेटते नाही भेटत असंही काही नाही आहे। कुल मिलाकर दिग्रस डिपो और बस स्टैंड पर पसरे कचरे के ढेर और पेयजल की असुविधाओं को जल्द से जल्द दूर कर डिपो प्रशासन यात्रियों और कर्मचारियों को निजात दिलाए, यही वक्त की मांग है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।